गाइज, आज मेरी सिस्टर नेल आर्ट करने वाली है मेरा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। चलो देखते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज शिवानी। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेल आर्ट, वो भी मेरे सिस्टर के थ्रू। तो सबसे पहले इनसे मिल लीजिए आप। ये है हमारे घर के सबसे स्पेशल मेंबर। कोई भी काम हो, ओकेज़न हो, ये सबसे आगे रहते हैं। तो इनको लगा कि अभी कुछ होने वाला है, तो ये सबसे पहले आके बैठ गए थे देखने के लिए कि क्या ही कर रहे हैं ये लोग। तो ये है मेरे सिस्टर की पूरी किट जो उसने पूरा बिखेर दिया था। इसको ये पूरा किट जो है वो सलोन से मिला हुआ है, जिसमें ए टू जेड सामान था, मतलब सब चीज़ ऑलमोस्ट इसको सलोन से मिला था। यानी कि ये नेल्स भी इसको सलोन से मिले थे, और ब्रशेस थे, ग्लिटर्स थे, नेल पेंट थे, और भी बहुत सारे टूल्स जो यूज़ होते हैं नेल आर्ट में नॉर्मली, वो सारी ही चीज़ें इसको सलोन से मिल गई थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसने खुद भी परचेज़ करी थी, जो उसको सलोन से नहीं मिली थी। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट लगा मुझे नेल आर्ट का कोर्स करने। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुई घिसाई नाखूनों की। तो बस जो लेयर है उसको ये अच्छे से घिस रही थी, यानी कि खुरदुरा कर रही थी, ताकि उस पर ग्लू लगा के नेल्स अच्छे से चिपक सके। आई गेस सो कुछ ऐसा ही था। और बीच बीच में ये कुछ बोल भी रही थी, जिसकी वजह से मुझे हंसी भी आ रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब घिसा इसने मेरे नेल्सों को। भाई, नेल आर्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है यार। जितनी मेहनत मुझे करवाने में लग रही थी, सोचो मेरी सिस्टर कर रही थी, उसको कितनी ज़्यादा मेहनत लगी। बहुत बहुत टाइम लगता है, 3 घंटे लग गए मुझे ये लिटरली प्रोसेस कराने में। और सीरियसली मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, मुझे नींद आ रही थी, और ये टाइम था सुबह के 5 बजे। नेक्स्ट उसके बाद जब घिसाई शुरू हुई, फिर उसने साइड साइड से भी शेप करे मेरे नेल्सों को। उसके बाद उसने वो जो नकली नेल्स मैंने आपको दिखाए थे वो लगा के देखा कि मेरे उंगलियों में कौन कौन से फिट होंगे। फिर भाई ग्लू लगा के इसने, देखो कितने माइल्ड तरीके से, बहुत हल्के हाथ से ये उंगलियों पर रख रही थी, ताकि बहुत अच्छे से जो है वो ग्लू स्टिक कर ले नेल्सों को। और मतलब ठीक है, परफेक्टली शेप में आ गए। और उसके बाद मेरे नेल्स जो है वो चिपक गए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट भाई इसने अपना औजार निकाला, और ये था नेल कटर। बहुत ही डरावना सा लग रहा था, मतलब लिटरली इतने बड़े बड़े नेल्सों को काटने के लिए ये बहुत परफेक्ट था। उसके बाद इसने मेरे नेल्सों को अच्छे से काटा, जितना मैंने लेंथ बताया उतना इसने किया, बराबर करा। ये वाला प्रोसेस भी ये बहुत ही ध्यान से कर रही थी, ताकि बराबर बराबर कट हो नेल्स। 5 उंगलियों के नेल इसने काट दिए हैं, पूरा बराबर कर दिया था। फिर उसके बाद दोबारा घिसाई शुरू हुई ऊपर के नेल्सों की भी, क्योंकि उसके बाद एक जेल भी लगाते हैं जो अच्छे से बराबर शेप एंड साइज़ में आ सके। तो इसके लिए ये दोबारा घिस रही थी नेल्सों को। और उसके बाद इसने आगे से चौकोर करा, शेप दिया नेल्सों को, क्योंकि मैंने चौकोर शेप में बोला था। उसके बाद इसने उस पर ग्लू लगाया, और ग्लू लगा के वो जेल अप्लाई कर रही थी ये। तो जेल काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा था, वो बहुत बहुत ज़्यादा थिक भी था, और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग था, बट फिर भी करवाना तो था ही, तो इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई थी। उसके बाद इसने इसमें डाल के सुखाने को बोला, और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस था। जब मैं इसको सुखा रही थी तो मतलब ऐसा लग रहा था मेरे नाखून जो है वो जल रहे हैं। 3 घंटे में जो सबसे ज़्यादा बुरा प्रोसेस लगा था ना मुझे, वो यही था लिटरली। उसके बाद भाई इसने बहुत जेंटली मेरे हाथों को रब किया, उसके बाद इसने दोबारा शेप दिया मेरे नेल्सों को, बहुत अच्छे से शेप दिया। और उसके बाद ये था कुछ फाइनल लुक। होप यू गाइस एंजॉयड। चलो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी दबा देना। बाय बाय।